पर लाइट्स का भी ये शॉप है। हीना का फोन भी आ गया तो कह रही मम्मी, हमने उसको सुबह कहा था आने के लिए, मैं मनीष बहुत ये पुदीना हमारे गमले में काफी सारा उगा हुआ था तो बारिश, सुंदर सुंदर शोपीस लगे हुए, घूमने का मन था तो मैंने कहा चलो घर में बैठ, सुबह से बैठे बैठे बोर हो गए। मैंने ये गमला ना खाली था तो मैंने इसमें छोटी सी कटोरी भर के ना बाजरे की रख दी। इसमें देखो ये छोटी चिड़िया आती है और इतना अच्छा लगता है, ची 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 करती हैं, इतना अच्छा लगता है। ये देखिए मशीन के ऊपर दो कबूतर बैठे हैं ना कटोरे में खाना खा रहे हैं, तो बारिश आ गई थी तो मैंने मशीन के ऊपर रख दिया था कटोरा, मैं कहा गिल्ला ना हो जाए बाजरा, थोड़ा सा बाजरा रह गया। पहले भी मैं थोड़ी देर पहले इसमें ना चावल डाल के आई हूँ, बाजरा खत्म हो गया था तो मोहनलाल जी भी नहीं थे तो मैंने कहा चल मैं इसमें, मोहनलाल जी थे होते भी तो बारिश थी तो नहीं था बाजरा, तो इसमें मैंने ना ये चावल चावल को ये टुकड़ा चावल है तो मैं वो रख के आई थी, वो भी खा गई ये। अब मैं और रखने जा रही हूँ, मैंने कहा रख देती हूँ ये खा लेंगे, देखो कितने प्यार से बैठ के खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये बेचारे, इन लोगों को भी हमारा ही आसरा है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें मैंने कल रात को मैं बस उस टाइम दिखा नहीं पाई, ये देखो इसके अंदर मैंने ना धनिया बोया है कल, इन दोनों में जो इनमें गमलों में मैंने धनिया बोया है ना, वो धनिया पता है कौन सा है, कल हमारी मेड थी ना, मेड है ना जो, वो बता रही थी वो अपने घर से ना धनिया लेके आई थी, सूखा धनिया, एक ना देसी सूखा धनिया आता है वो रेड कलर का था, तो धनिया तो हमारे घर में था, वो कह रही नहीं आंटी इसमें ना देसी डालोगे ना तो अच्छा मतलब होता है और जल्दी भी होता है, तो मैंने कहा ला दियो फिर थोड़ा सा, कह रही आंटी मैं ला दूंगी, तो कल वो थोड़ा सा लेके आई थी तो मैंने इन दोनों गमलों में डाल दिया। देसी धनिया बो ना, कहती जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है, मैंने कहा ठीक है तो मैंने दोनों में बो दिया है। अब देखो कब तक धनिया आता है मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ये बैक साइड की मेरी गैलरी है देखो कितनी हरियाली, बाहर के पौधे वगैरह देखो कितने हरे हरे, कितना अच्छा लग रहा है, बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को यहाँ खड़े होना वीडियो बनाना अच्छा लगता है। और ये देखो हमारे बच्चे, ये देखो ये चादर मैंने बिछाई है ना, ये वाली चादर बिछाई है तो ये व्हाइट वाली इतनी डीट है, तीन बार बोला है हट जा नहीं हटी, देखो वहां ही बैठी हुई है और चादर नहीं बिछाने दी मुझे, और मैंने ऐसे कैसे छोड़ दी है, पुच्चू मेरी फिर उठ के चल पड़ती है, ये बहुत डीट है, मतलब कहना नहीं मानती, कभी कभी डीट बन जाती है, देखो चादर नहीं बिछाने दे रही मुझे, बाकी मैंने बिछाई है चादर झाड़ के तो मैंने कहा इसको सीधा करूं, नहीं करने दे रही, अपनी मर्जी से उठेगी तो ठीक है ना पुच्चा, ये तंग करता है ना। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते न्यू ब्लॉग की शुरुआत, तो आज है 15 अगस्त, तो बस जब से उठे हैं पहले सवेरे काम को में लगे हुए थे, फिर देखा तो बारिश आ रही है, अब बारिश जाके रुके, मौसम साफ हो गया, तो सोच रही थोड़ा सा घूम भी आऊँ, मोहल्ला जी आज घर पे आज छुट्टी है तो जाऊंगी, अभी नहीं, अभी तो पहले घर का काम थोड़ा सा निकालो, खाना वाना खा लें उसके बाद जाके फिर थोड़ा घूमेंगे। चाय हमारी हो चुकी है और डॉग को खाना भी जा चुका है, तो बस कमरे की सफाई भी उसी टाइम करके आई थी, फिर मैं फ्रेश हुई हूँ, फ्रेश होने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब खाना भी बना लें दोपहर का लंच, क्योंकि भूख तो लगी है, चाय पी थी खाली चाय, तो बस खाना खाने की सोच रही हूँ, मैंने कहा बना लूँ तो मोहनलाल जी को पी दूँ और मैं भी खा लूँ। बारिश पहले मौसम खुला हुआ था, लग नहीं रहा था कि, और एकदम ही बारिश का मौसम बन गया और एकदम बारिश आ भी गई, देखो ये देखो कितनी तेज बारिश आ रही है और पौधे कितने प्यारे लहरा रहे हैं बारिश आने से, ये तो खुश होते हैं, इनको पानी मिलता है, इनको अच्छा हवा वगैरह मिलती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, पक्षी पेड़ पौधे सबको अच्छा लगता है, इंसानों को भी अच्छा लगता है। बारिश आ गई है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो बस डॉग को खाना जैसे जैसे दे के आएंगे, अभी पीछे वाले डॉग और नीचे, जो नीचे वाले डॉग जो रात को आते हैं वो भी आए हुए नीचे पार्किंग में सो रहे हैं, मतलब हमने गेट खोल दिया था, मैंने कहा बारिश आ रही तो बच्चे अंदर बैठ जाएंगे, तो बस अभी मैंने चाय वगैरह पी लिया तो मैंने कहा छोले उबालने रख देती हूँ, छोले हमारे उबल चुके हैं तो अब मैं इनको लगाने लगी तड़का, छोले कौन से मैंने भिगोए, काले काले छोले बहुत दिन से बनाए नहीं थे, डब्बे में काफी सारे रखे थे तो मैंने कहा रात को भिगो दिए, तो मैंने काफी सारे भिगोए हैं, काफी सारे का मतलब है कि दो टाइम बन जाएंगे, एक टाइम बनाऊंगी सूखे मिसाले वाले काले छोले और एक बनाऊंगी रात को तरी वाले चावल के साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सूखे वाले तो बना लिए, मैं आपको दिखाऊं, और साथ में मैंने ना रात को ना करेले भी लाई थी ना उस दिन, तो करेले भी मैंने काट के ना रख दिए थे नमक लगा के, तो उसको भी मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए ये सूखे छोले बना रही हूँ मिसाले वाले, और इसी के साथ में मैं बना रही हूँ ये आपको दिखाती हूँ करेले की सब्जी, करेले मैंने काट के रात को रखे थे ना, तो मैंने सवेरे उनको धो धा के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, इसमें प्याज वगैरह भी डाल चुकी हूँ, नमक मिर्च डाल चुकी हूँ, अब इसको गलने के लिए रख दिया मैंने, तो फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, ये देखिए करेले आपको दिख रहे हैं, इसमें शीशे का ढक्कन लगा हुआ ना तो फ्राई होने के लिए अभी छोड़ दिए मैंने, और यहाँ मैंने छोले भी सिम पे रख दिए पकने के लिए, थोड़ा मिसाला अच्छी तरह से मैच हो जाएगा। ये पुदीना हमारे गमले में काफी सारा उगा हुआ था तो बारिश की वजह से तो ऐसे लहरा रहा था तो नीचे गिर रहा था, मैंने कहा इसको काट लेती हूँ, जो नीचे गिर रहा है टहनियाँ
ये देखो कितना सारा हरा धनिया, पुदीना, यार धनिया धनिया कर रही हूँ मैं बार बार। ये पुदीना है तो इसको मैं अभी पत्ते वगैरह, अभी जितनी चटनी बनानी चटनी बनाऊंगी इसकी, जितनी बनानी उतने मैं अभी पत्ते निकाल लूंगी, बाकी मैं थैली में रख दूंगी, ऐसे जब भी यूज करने को तो निकाल लूंगी। देखो कितना अच्छा, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खाना हमारा बन गया है, तो ये देखिए छोले कैसे धुआं निकल रहे हैं, छोले जो मैंने सूखे बनाए हैं, और साथ में ये रोटी। तो नाश्ता मैंने किया नहीं था, मैंने कहा चलो एक बार रोटी खा लेते हैं, तो नाश्ता और रोटी दोनों हो जाएंगे। कमरे की सफाई हो गई थी, बच्चों को भी खाना दे दिया, तो मैंने कहा अब खाना खाया जाए। मोहल्ला जी गए हुए थोड़ा काम से, तो सब्जी बनी हुई है, तो रोटी फिर आके बना दूंगी। तो अपने लिए फिर मैंने बना ली रोटी, मैं तो मैं खा लेती क्योंकि नाश्ता किया नहीं है, तो भूख भी लग रही थी, टाइम भी हो गया है खाने का। मैंने बॉडी चेकअप करवाया, ये नहीं कि मैंने करवा लिया तो मैं आपको भाषण दे रही, भाषण नहीं दे रही, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपना बॉडी चेकअप करवाओ। जिनका नहीं हुआ, साल में एक बार होता है, ये ज़रूर करवाना चाहिए। मैंने इस साल से करवाना शुरू कर दिया, अब भगवान ने चाहा तो अगले साल भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो जरूर करवाऊंगी, हर साल करवाऊंगी। उससे यह है कि कोई भी बीमारी, अगर कोई भी अंदर हमारी कमी है तो वो टाइम से पता चल जाएगी, लास्ट स्टेज तक आने से पहले हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में क्या दिक्कत है। तो आप लोग भी बॉडी चेकअप जरूर करवाओ। कैसे हो? ठीक हूं। ये रे मोहनलाल जी, आज मोहनलाल जी की छुट्टी है, 15 अगस्त है, छुट्टी आज सबकी है, सब अपने घर पे एंजॉय कर रहे हैं, घर पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो आज मोहनलाल जी भी घर पे ही है, तो बस। और कहाँ चलना है? नहीं चलना, चलेंगे अभी खाना वाना खा लें आराम से, फिर चलते हैं शाम के टाइम, थोड़ा ठंडा मौसम हो। ठंडा क्या, ठंडा तो है ही है वैसे भी, लेकिन चलते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे मोहनलाल जी कर रहे हैं लंच, क्योंकि मैंने खाना बना दिया है। खाना पहले मैंने कहा मोहनलाल जी खा ले, मैं बना रही थी, अब ये खा रहे हैं। तो आज है 15 अगस्त, तो आज हमारे देश को आज़ाद हुए, 78 साल हो गए, तो आज 78 साल हो गए हमें आज़ादी मिले हुए। तो आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी जब कत्याल के पास गई थी तो मैंने आपको बताया था, मैं तिलक नगर भी गई थी मार्केट में, तो बारिश आ गई थी, हम ज्यादा देर रुके नहीं थे, तो वहां से मैंने बस चलते चलते ये कोट सेट लिया था, जो मैं आपको दिखाना भूल गई, मेरे को याद आ गया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये कोट सेट है मेरा, ये देखिए ये कोट सेट है, और ये इसका बॉटम। ये कोट सेट मुझे साइज बिल्कुल सही आया और कलर बहुत सुंदर था, तो हिना साथ में थी तो हिना कह लेंगे मम्मी अच्छा है, आपको पसंद है तो ले लो, तो फिर मैंने ये ले लिया। इसके देखिए बॉटम पे भी, नीचे ये भी है पॉन्चों पे, ये अफगानी जैसे स्टाइल में होती नहीं, स्टाइल में है लेकिन लूज है, ये देखिए बहुत अच्छा लगा, और साइज भी बिल्कुल ठीक आया मुझे। ये कोट सेट है, इसका रेट है 650 रुपये में मिला है मुझे, और बहुत अच्छा है। इसके कंधे पर कढ़ाई भी बहुत सुंदर है, और बाजुओं पर भी देखो दोनों साइड कितनी सुंदर है, कॉलर पर भी लैस लगी हुई है, मुझे काफी अच्छा लगा, इसका कलर वगैरह सब अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। इसी के साथ मैं गोल्डसन्स पे भी गई थी, मैंने आपको बताया था, तो गोल्डसन्स पे बहुत काफी अच्छी सेल लगी हुई थी, राखी की है, तो आप लोग भी जा सकते हो। कालीघाटा के बिल्कुल साथ में जो नया गोल्डसन्स खुला है, मैंने वहीं से लिया। ये दोनों आइट सूट मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इस पे भी मतलब सेल लगी हुई है। वैसे ये कम से कम नहीं तो 1000-1200 रुपये का, 1200 रुपये का आराम से है, वैसे लेने जाओगे तो। ये हमें सेल में मिला है 650 रुपये का, 650 रुपये का एक, 1300 रुपये के दो, ये मैं दो लाई थी। ये देखो एक ये है, ये टी शर्ट है इसकी, और साथ में ये बॉटम है, ये पजामा जो है। कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, कपड़ा मुझे, कपड़ा देख के मुझे अच्छा लगा, साइज भी बड़े मिल गए। तो ये देखिए ये कलर भी मुझे अच्छा लगा, ये कलर ले लिया मैंने, दो ले लिए, नाइट सूट है ये दो, दोनों के कलर डिफरेंट है, ये मैचिंग में आ गया, ये मैंने ऑल ओवर ले लिया एक। गोयलसंस पे ना बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, कह रहे हैं कि राखी तक की है, बाकी पता नहीं है कि राखी के बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोट सेट की वैरायटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, साइज भी सारे हैं, बड़े साइज भी थे मेरे साइज का। तो मैं पहले कोट सेट अपना तिलक नगर से ले चुकी थी, क्योंकि तिलक नगर में मैंने एक बार देखा था, हिना ने भी वहीं से लिया था पिछली बार, तो उसके कोट सेट अच्छे निकले थे, तो हिना ने भी इसी रेंज का लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करूंगी एक बार। तो हम बारिश थी, हम निकल रहे थे उधर से, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया भी बड़े साइज के कोट सेट है, तो कह रहे हाँ। तो उसने 2-3 पीस दिखाई, इसमें कलर बहुत सारे थे, जो मैंने कलर लिया ना मजेंटा, इसमें कलर और भी थे, लेकिन मुझे यही कलर पसंद आया। हिना ने कहा मम्मी ये अच्छा है, मैं चलो ठीक है, लेकिन साइज मुझे बिल्कुल ठीक आया। फिर हम गोयलसंस पे गए, तो वहां पे भी काफी अच्छी वैरायटी लगी हुई है, अगर आप लोगों ने देखना हो कालीघाटा बिल्कुल साथ नया गोयलसंस खुला है, तो वहां जा सकते हो। दो गोयलसंस हैं, एक कालीघाटा के इस साइड है और कालीघाटा के दूसरे वाले पे मैंने गई, मुझे नहीं पता वहां लगा था कि नहीं लगा था, जो नया वाला खुला है वहां सेल लगी हुई है। और नाइट सूट बहुत अच्छे हैं, उसका कपड़ा इतना अच्छा है, रेट रीजनेबल है, 1300 रुपये में दो, क्या चाहिए।
लोकल भी वैसे यहीं अपनी पटरी से भी लो ना, तेलंगाना मार्केट की पटरी से भी लो तो 500 से कम से वहाँ में नहीं मिलता। और ये ब्रांड के हैं, ये अच्छे वाले हैं। तो मैंने कहा साइज बड़े थे तो मैंने दो ले लिए, पहले एक लेने के लिए 100 ली थी तो मैंने दो ले ली। मैं चलो फिर पत्नी मौका मिले ना मिले सेल का, तो और मुझे बड़े बड़े अच्छे लगे हैं। और राखी से पहले अगर मेरा दिल्ली चक्कर लगेगा तो मैं शायद एक आध और भी ले लूंगी, क्योंकि नाइट सूट दो अभी निकालूंगी फिर एक आध कहीं आने जाने के लिए रख लूंगी, तो मुझे एक आध और भी लेना है। तो आप लोग भी देख सकते हो वहाँ जाके नाइट सूट वगैरह। एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं तीन राखियां लाई हूँ अपने भाइयों के लिए और तीन धागे लाई थी। ये वाले धागे मैं तीन लाई थी तो इसमें से एक धागा कनिका को पसंद आ गया था तो कनिका को बांध दिया था हीना ने। तो फिर मैं जब अभी दिल्ली गई थी तो मैं तीन धागे और ले आई हूँ। ये देखिए ये, क्योंकि मेरी तीन भाभियां हैं और तीन भाई हैं तो मैंने तीनों के लिए लिया है। इसमें से एक जो धागा था वो कनिका को पसंद आ गया था तो कनिका ने एक ले लिया था, और एक मैंने अब नया लाई हूँ इसके साथ रखने के लिए। वो तो मैंने वैसे भी लाना था तो अब ये तीन हो गए, और ये दो हैं जो मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। हम अभी अभी घर से निकले हैं तो मोहनलाल जी ने गाड़ी निकाली है तो कह रहे चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, आज छुट्टी है तो बस अभी अभी निकले हैं। देखो कहाँ जाते हैं, घूमने का मन था तो मैंने कहा चलो घर में बैठ, सुबह से बैठे बैठे बोर हो गए थे। मोहनलाल जी कह रहे मैं बोर हो गया हूँ, दिल नहीं लग रहा तो चल घूम के आते हैं। तो हम जा रहे हैं घूमने, मैं आगे दिखाती हूँ हम कहाँ जाते हैं। ये शीशे पे आप बारिश देख रहे होंगे, जैसे हम घर से निकले देखो बारिश शुरू हो गई। पहले कुछ नहीं था, हम जब घर से निकले तो देखो बारिश शुरू हो गई, और देखो कैसे वाइपर से गाड़ी साफ करनी पड़ रही है शीशे आगे का, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा, बारिश बहुत तेज है। और अब मूड कर रहा है कि वापस घर चले जाए। मैं आई हूँ आरडी मॉल जो सेक्टर 52 में है गुड़गांव में, तो मैं वहाँ आई हूँ। बैठे बैठे हमें शौक चढ़ गया क्योंकि घूम के आते हैं, चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेंगे, थोड़ा घूम भी लेंगे, तो कुछ खा पी भी लेंगे। मोहनलाल जी साथ में, तो ये देखिए मोहनलाल जी रहे, हम दोनों आए हैं। पहले हम निकले ना वहाँ से तो बड़ा मूड खराब हो गया, बारिश की वजह से ना जाम लग गया, जाम में हम इतना फंस गए, हम ना पीछे जाने लायक थे ना आगे आने लायक थे, बस फंस गए। मूड बड़ा खराब हो गया था, फिर जैसे तैसे करके आ ही गए। मैं दिखाती हूँ मॉल बहुत सुंदर सजा हुआ है, यहाँ की शॉप्स वगैरह हैं जो भी बहुत अच्छी सजी। ये देखिए यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं, इनके पास सारी शॉपीज हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी का है, ये खड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी बहुत सुंदर है इनके पास। और यहाँ पे ये शॉपीज वगैरह सब कुछ, यहाँ पे क्रॉकरी का है। तो मॉल बहुत सुंदर सजा हुआ है, मैं आपको पूरा मॉल दिखाती हूँ। ये देखिए मॉल कितना सुंदर सजा हुआ है, और काफी चहल पहले रौनक है मॉल में आकर। तो वैसे भी अच्छा लगता है, आपको पता ही है। यहाँ पे ये जो शॉप्स लगी हुई हैं छोटी छोटी, ये भी बहुत अच्छी है। कपड़े ये है, यहाँ पे देखो कपड़े हैं बहुत सुंदर सुंदर। ये देखिए कप वगैरह देखो कितने सुंदर हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर शॉपीज लगे हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखियां हैं, बहुत सुंदर है। ये राखी हैं सारी यहाँ पे ये कॉटन की साड़ी वगैरह है उनके पास, तो काफी अच्छी है। ब्लाउज साड़ी देखो, ये खोल के खड़े हैं। ये साड़ी है कॉटन की भी है और दूसरी भी है, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो साड़ी खड़ी है ये जॉर्जेट में खड़ी है, ये आगे मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये जॉर्जेट में है और कलर बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये देखिए ब्लाउज वगैरह, ब्लाउज मैचिंग कर सकते हैं, साड़ी लेके मैचिंग ब्लाउज भी करके देंगे आपको। यहाँ पे हमें बैग की शॉप नजर आई है, उनके पास बैग बहुत सुंदर सुंदर है। ये देखिए जूट के बैग हैं ये सारे, कारपेट है, छोटे तकिए हैं, काफी अच्छी वैरायटी है इनके पास। और इसी के साथ यहाँ पे ये सूट की शॉप है, मॉल बहुत अच्छा लग रहा है। सारी सीनरी बहुत सुंदर है, नजर आई मॉल को सजाया हुआ है, जैसे कितना सुंदर। यहाँ पे ये शॉप लगी है, ज्वेलरी की भी शॉप है, ये बहुत सुंदर ज्वेलरी है इनके पास। तो ये देखिए वुडन का भी देखो कितना सुंदर सामान है यहाँ पे। ये देखो मोहनलाल जी को यहाँ पे अपना एक दोस्त भी मिल गया,
उसमें भी मतलब सामान लगा रखा है जो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे। मेरे आपको चिप्स वगैरह की काफी वैरायटी मिलेगी। ये देखिए ये मेला लगा हुआ है 26 तारीख तक। यहाँ पे ये देखिए पापड़ की वैरायटी, काफी अच्छे सामान है इनके पास। ये आईडी मॉल 52 में मेला लगा हुआ है। ये बहुत सुंदर है, यहाँ पे सामान बहुत अच्छा है। ये देखिए बहुत अच्छा अच्छा सामान है। काफी शॉप लगी हुई है, कपड़े की हर चीज की शॉप लगी हुई है, ज्वेलरी की, खाने की, पर्स की। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रे का सेट है, ट्रे है सारी सेट बने हुए हैं। काफी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर लाइट्स का भी ये शॉप है और लाइट्स बहुत सुंदर है रूम में लगाने के लिए। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट की भी शॉप लगी हुई है, अगर आप लोगों ने ड्राई फ्रूट लेना है, हर तरह का ड्राई फ्रूट है यहाँ पे। ये लेते देखो मौला जी वीडियो बनवा रहे हैं वहाँ खड़े होके। हम जा रहे हैं वापस। यहाँ खाने का कुछ भी ज़्यादा नहीं था तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम खाया कुछ नहीं। मसीना का फ़ोन भी आ गया तो कह रही मम्मी, हमने उसको सुबह कहा था आने के लिए, मैं कहा मनीष बहुत दिन से घर नहीं आए तो तू मनीष को लेके आ जा, तो उसका फ़ोन आ गया तो कह रही मम्मी आ जाओ मैं भी आ रही हूँ घर पर। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ। बस हम जा रहे हैं वापस घर। अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने गाड़ी निकाल के और खुद निकल के बहुत बड़ी गलती की है, इतना ट्रैफिक है। ये देखो पार्किंग में खड़े हैं, पार्किंग में भी इतना ट्रैफिक है। ये देखो लंबी लाइन अभी भी, अभी पता कितनी देर में नंबर आएगा। पहले हमारा काफी देर बाद नंबर आया था जब हम नीचे आए थे पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, आप देखो कितनी लंबी लाइन है। बस आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए क्योंकि बारिश में कपड़े गीले हो गए थे। हम जैसे गाड़ी से यहाँ उतरे तो यहाँ तक आते आते बारिश बहुत तेज थी और कपड़े गीले हो गए। आते पहले कपड़े चेंज किए, फिर हिना काफी लेट हो गई थी तो बच्चों ने फिर मना कर दिया, मम्मी हम आज नहीं आ रहे, फिर आ जाएंगे कोई बात नहीं। क्योंकि हमें वहाँ पार्किंग में बहुत टाइम लग गया गाड़ी निकालते निकालते, क्यों ट्रैफिक इतना था, बाहर रोड पे भी था और जो हमने नीचे पार्किंग में गाड़ी पार्क की इतना वहाँ से गाड़ी बाहर तक आने में भी बहुत टाइम लग गया था। तो बस बच्चे नहीं आ पाए तो मैं कोई बात नहीं फिर आ जाना, फिर लेट हो गए थे काफ़ी और बारिश भी बहुत तेज आ रही थी। तो बस अब बनाते हैं खाना। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलती न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Thank you. Good night.